कभी इंद्रधनुष देखा है आपने? इंद्रधनुष बनने के लिए धूप बरसात दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी तरीके से आपके अपनी जिंदगी में इंद्रधनुष अगर बनाना है आपको, तो सुख दुख, सफलता असफलता, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। बिना इन दोनों के सामंजस्य से आप अपनी जिंदगी में इंद्रधनुष का मजा नहीं ले पाएंगे। बहुत सीधी और सिंपल बात है कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दुख किसे कहते हैं। कई बार हम लोग ये बात समझते नहीं हैं और हम लोग को लगता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। लेकिन जब आपको पता होता है अभाव क्या है, तभी आपको पता चलता है कि आप उस अभाव से मुक्त हो चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी चीज की चाहत करते हैं, तो कई बार वो चाहत आपकी इतनी दृढ़ होती है कि आप उस चीज को पा लेते हैं, और जब पाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपकी चाहत कितनी गहरी थी और वो चीज आपके लिए कितनी जरूरतमंद थी या नहीं थी। ये तब आपको पता चलता है जब आप उसे पा लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में जब भी आपको ऐसा लगे कि अब लगातार असफलता से सामना हो रहा है, लगातार मैं नाकामी पे नाकामी पा रहा हूँ, तो याद रखिएगा इन्हीं नाकामियों की सीढ़ी पर चढ़कर एक दिन आप कामयाब होंगे। क्योंकि जीवन हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इकलौती चीज़ है इस जीवन में जो कि अपरिवर्तनीय है, वो है परिवर्तन। आप कुछ भी कर लीजिए, परिवर्तन से कहीं कोई बदलाव, परिवर्तन होके रहेगा, परिवर्तन रुकता नहीं है। हर चीज़ परिवर्तित होती रही है, उम्र के साथ आप परिवर्तित हो गए हैं और लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपके आसपास का माहौल, आपकी जीत, आपकी हार, आपकी खुशी, आपका गम, जो भी है वो परिवर्तित होकर ही रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आप उन दिक्कतों की वजह से दुख आया है उससे दूर जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जहाँ जाना चाहते हैं उसको फोकस कीजिए, उसको स्मरण कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, और उस विजुअल में अपने आप को रख कर देखिए, किसी और को नहीं, खुद को रख कर देखिए, और धीरे धीरे ये चीज़ ऐसी बनेगी कि आप खुद को उन दुखों से निकाल कर उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ आप अपने ज़िंदगी का इंद्रधनुष बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।